इन गणपति इतनी महिमा है कि लोग आन इन दर्शन करे, काम जल्दी सफल हुए। और गणेशगढ़ मंदिर है जी को कम से कम 400 साल पुराना है। सच्चे मन वटे अगर आप कुछ भी याचना कर दो प्रभु ने, वह लगभग लगभग पूरी हुए। और बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत अटान है, आपने बहुत अच्छा वाइब्रेशंस मिले, बहुत अच्छी शांति मिले। वो कहो भी परेशान लोड़ आयो अटान, उन्हें एकदम आत्मिक शांति महसूस हुए। कोई गणेशगढ़ नाम लेन काम करे, उन्होंने भी काम नहीं अटक्यो। राम ऋषि तक तपस्या करता उन टाइम हुआ, उन्होंने भी पहला स्थापित है, पर्चा बहुत भारी है, लोग आ रहे मानता मान वो पूरी हो जा। उन्होंने पूजा करी, आराधना करी, मानसिक शांति मिलती। युवाओं ने बहुत जोश मंदिरों में पहुंचना, मंदिरों रख रखाव करना, भगवान के प्रति पूरी आस्था राखनी, आत्मीय शांति अटायो पचमोना। नमस्कार जलगोंसू, मैं हूं आदित्य, आप रेसागे। और इन वक्त मैं खड़ो हूं बकरा मंदिर ऊपर चांदपोल रोड माते गणेशगढ़ आश्रम है। इन मंदिर में माए गणेश जी विराजमान है। वो मंदिर कितो पुरानो है, इन मंदिर पूरा इतिहास मैं आपने बतावन वालो हूं। और मंदिर की खासियत कही है, इन मंदिर में माए मान्यता मांगन सु पूरी होवे या नहीं, आपसे जाननी चाहूं। आप बताओ इन मंदिर इतिहास मूर्ति जी की है, वह स्वयंभू है या स्थापित करियोड़ी है? मूर्ति स्थापित करियोड़ी है, लगभग 125 साल ही पुरानी है, ठीक है नी। मोरा चाचा जी कहता था इन्हें कि छह निर्माण मूर्ति लाइडी है। इन गणपति इतनी महिमा है कि लोग आन इन दर्शन करे, काम जल्दी सफल हुए। इन आश्रम निर्माण ने हमारा पूर्वज बहुत बैठा हटे और राम ऋषि महाराज जी कहा हटे कम कम 11 साल तक करियो और उन टाइम वहाँ मूर्ति लागोड़ी है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इन मंदिर रो जी की मान्यता है वह किन टाइम से सुन रहे हो? लगभग 12-13 साल हो जिन टाइम आवनो शुरू हुई हूँ। उन टाइम और दादाजी अट बैठता है और नीचे प्याऊ है, उन्हें भी संभालता है दादाजी। 4-5 टाइम संध्या करता और अठी रहता दिन और रात। मैं 12-13 साल हो जिन टाइम रहूं आऊं लागू अटे, लगभग मैं 50 साल हो गया मन्नत आओ। तो आप इन मंदिर में किन टाइम से आ रहे हो और आप रो कोई कहना इन मंदिर के बारे में? गणेशगढ़ मंदिर है जी को कम से कम 400 साल पुराना है। जिन टाइम गंगलाव बनी उन टाइम इन निर्माण हो गया, ऐडा हमारा पूर्वज बतावता। 200-250 साल पहले ये टाइम बाउंड्री भी बनी होड़ी गणेशगढ़ रमोन। और गणेशगढ़ की मूर्ति की स्थापना आज की 125 साल पहले होड़ी है। और महादेव मंदिर है जी को सन 85 रमोन है अटेरा भगत गणी ने निर्माण करवाया। देखो महादेव रो मंदिर है और यू राम ऋषि महाराज जी अटेज तपिया है और यारी गुप्पा अटेज है। आप रो कई कहना है मंदिर के बारे में? मैं यारी समझ आई जरूर, मैं आ रही हूँ उठे और बहुत प्राचीन मंदिर है। मतलब इन मंदिर में मैं भी उन्हें किसी की मानता पे मांगो वह पूरी होया करे, आप रोके कहने मारी तो हर काम ना कर पूरी करिए बाबू, और इस गाड़ी चलाओ। आप बताओ सा आप कई कहनी चाहो इन मंदिर के बारे में? मैंने लगभग 50 साल हो गया था और मंदिर एडी मान्यता है, मारो तो एडो विश्वास है कि सच्चे मन वटे अगर आप कुछ भी याचना कर दो प्रभु ने, वह लगभग लगभग पूरी हुए। और बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत अटान है, आपने बहुत अच्छा वाइब्रेशंस मिले, बहुत अच्छी शांति मिले। खरे भी आप भी पता रहो, आप कभी आप एडो महसूस करो लो कोई एडी जगह बैठा हो जेटा आपने सुख शांति जो चैन महसूस हुएगी वह जगह है। तो आप जिन टाइम आवन लागो इन मंदिर ने कितो बदल तो देख लियो कि मंदिर इन मंदिर रही तो मैं आपने इतनी बदल सा सब मोटो अटे जिको भी आए गयो वो कहो भी परेशान जोड़े आयो अटान, उन्हें एकदम आत्मिक शांति महसूस हुए, मन में एडो आनंद आवे हाँ भाई आप एडी जगह आ गया सब आप दुख दर्द भूल जाओ। और इन मंदिर में मना आवता भी 20 साल ऊपर हो गया, एने साथ में आवनो शुरू हो गया। बाद में मारे तो कदी कोई काम नहीं अटके सर, और इन मारे अलावा जो मारे परिवार में भी कोई गणेशगढ़ नाम लेन काम करे उन्होंने भी काम नहीं अटक्यो। चाहे भले मैं गणेशगढ़ आम दर्शन एक बार भी नहीं करिया उन्हें बावजूद भी गणेशगढ़ नाम कोई काम बोल करे उन्होंने भी काम नहीं अटके सर। आप जिन टाइम से मंदिर देख रहे हो कितो बदल चुका है मंदिर, उनके बारे में थोड़ा बताओ आप। कंस्ट्रक्शन में हमारा पूरा योगदान रहे हो, एक टाइम उत्पात हो गयो और मंदिर की सुरक्षा कम होगी और मित्र मंडली इन्हें बीड़े उठाए कहते महादेव रो मंदिर बना दो तो इन्हों सुचारू रूप से आना जाना उजाला। गणेश जी तो पहले विराजमान है अटे इन वजह इन नाम गणेश गढ़ रखे है उन टाइम बड़ो लागे जरा अटे शिवलिंग अट पड़ियो, लेकिन जिन टाइम इनकी प्रतिष्ठा की बात आई जरा गणपति के साथ देवी और कार्तिकेय की मूर्ति लौटने गया जरा शिव मोरा हाथ आई गया परिवार रूप में और नंदी भी हाथ आया दो हुआ। एक मोरा डेरा रेगुलर कार्यकर्ता मुरलीधर जी हर्ष वे एक शिवलिंग आपने तरफ और दियो यू कहना और त्रम्बकेश्वर महादेव रो मंदिर बनियो और उन बाद में उन्हें धीरे धीरे विकास हो तो आल भी हो रही है। तो मैं वो जान जाऊँ मूर्ति जी की स्वयंभू है या स्थापित हुई है? मूर्ति स्वयंभू नहीं है, स्थापित है, लेकिन मोरा बहुत पूर्वजी ने समान राके बटे राम ऋषि तक तपस्या करता उन टाइम हुआ, उन्होंने भी पहला स्थापित है, लेकिन आश्रम रूप में हो पहला तपस्या रो एक केंद्र हो और तपस्या रो बाद में इन्हें पूजन रूप में बदल दिया, यज्ञ भी हुए
सारा कार्यक्रम हुए जरा विशेष कर दो और सौड़ो चौथो सोमवार ने अरे पान प्रतिष्ठा रूप में उन्हें पाटोत्सव मनाया करो परचो बहुत भारी है लोग आ रहे मानता मन है वो पूरी ऊर्जा त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर स्थापना अक्टूबर 1985 में राम ऋषि महाराज रहे कर कमलों प्राण प्रतिष्ठा हुई ही नहीं। मैं आपसे जानने चाहूंगा कि आप इन मंदिर में किन टाइम सो आ रहे और आप इन मंदिर ने कितो बदल तो देख लियो उन टाइम सो लेना आज वो मंदिर इतो बदल चुका है। गणेशगढ़ रो जो मंदिर है वो बहुत ही पुराना मंदिर है हमारा पूर्वज जी का अटे तपस्या करना आवता और राम ऋषि महाराज भी अटे आवता और आराधना करता उन्होंने पूजा करी हूँ आराधना करी हूँ मानसिक शांति मिलती और धीरे धीरे आने वाले टाइम में युवा आदमी बेटे काफी आवन लगा और इन मंदिर में काफी बदलाव हुयो महादेव रो मंदिर भी बनियो गणेश जी की मूर्ति है बहुत ही पुरानी मूर्ति है और आने वाले टाइम में गणेश चतुर्थी रोज को पर्व है और मोहल्लेरा 300-400 आदमी अटे आप भावना आवे प्रसादी लेवे और मंदिर में काफी विकास कार्य हुआ है युवा आदमियों ने भी गेहूँ के मंदिरों में पहुंचे और उन्हें निर्माण कार्य में सहयोग करे और एक ऐसी टीम बनेगी मंदिर और रख रखाव करे वह युवा टीम ही कर सके कि बुजुर्ग तो आज आने वाले टाइम में धीरे धीरे ऊपर जावता जा रही है तो युवाओं ने बहुत जोश हूँ मंदिरों में पहुंचना मंदिर और रख रखाव करना और भगवान के प्रति पूरी आस्था रखनी आज मैं कहना चाहूँ। आप रो कोई कहना मंदिर के बारे में कि कोई मान्यता जी के मांगा वह पूरी हो जावे आत्मिक शांति आपने मिला है बचपन आ रहा हूँ मैं नहीं समझता हूँ उम्र 10-8 बैठता पूजा करता उन टाइम मैं आ रहा हूँ पर जब और ताऊ चाचा जी आऊँ लगा भाई साहब आऊँ लगा उन बाद में मैं भी आऊँ ला गयो कोई भी चीज अपन आज तक मांगी बाजी की हैंग चीज अपन मिल रही है इन मंदिर तो अब आप जी को क्यों बड़पन है क्यों अपन नहीं चीज है लेकिन अरे जी की आप इच्छा करो ला सब इच्छा पूरी हुए मैंने भी सब चीजें मिली मैं सब चीजें ली हूँ सब पाया हूँ और आत्मीय शांति अटाया पचमाना तो 400 साल पुराना मंदिर और लगभग 100-125 साल पहले यह मुहूर्त अट आयोड़ी और लोगारो ओइज कहण हो कि आप सच्चे दिल से अगर कोई मन्नत मांग लो तो वह जरूर पूरी हो जाया करें तो मैं भी आपसे ओई कहूँ कि अगर आप बकरा मंडी रोड सु चांदपोल रोड की तरफ जाओ तो बीच में गणेशगढ़ आश्रम आया करें आप दर्शन कर आत्मिक शांति रो एहसास कर सको।